है कि पेंडेमिक स्टेबलाइज हो प्लेटू हो उसके साथ साथ एक कंसर्न भी और वरी भी है कि ठंड के मौसम में हो सकता है कि हमारे ऊपर यह पेंडेमिक फिर बरसे फिर बढ़ जाए और आउट ऑफ कंट्रोल होने की कोशिश करे यह सोच इसलिए आती है क्योंकि कोविड नाइन्टीन का जो वायरस है वो एक रेस्परेटरी वायरस है वो हमारे रेस्परेटरी पैसेजे से श्वास के पैसेज से ही अंदर आता है और जो रेस्परेटरी वायरसेस होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो सर्दी के मौसम में उनका प्रकोप कई तरह से बढ़ता है ये वायरस की टेंडेंसी बढ़ जाती है इसका थ्राइविंग थ्राइव ज़्यादा करता है ठंड के मौसम में ये वायरसेस एज़ अ ग्रुप और ये भी हम इज्यूम करते हैं कि वैसे ही बिहेव करेगा नया वायरस है हर एक चीज़ इसके बारे में नहीं मालूम और ठंड के मौसम में यह आम धारणा है कि बच्चों को निमोनिया हो जाता है बच्चों को ठंड हो जाती है ज़ुकाम हो जाता है जो इन्फ्लुजा की पेंडेमिक्स हुई हैं इंक्लूडिंग 1918 की जो भारत में भी हुई तो विंटर के मौसम में बहुत बढ़ोतरी केसेज में हुई और शायद जो पहले वाली फेज़ थी उसकी पीक से भी ज़्यादा बढ़कर उसने तबाही मचाई तो एक कॉमन सोच है कि विंटर में हमें और भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए ये सब कुछ जो संजोया गया है इस देश ने इकट्ठे होके वो सब उसका नुकसान हो सकता है वो सब हमसे छिन सकता है और अगर आप नज़र डालें यूरोप में यूएस में तो ये होना भी शुरू हो गया है हो सकता है उसके और भी फैक्टर हों लेकिन क्लियरली एक चीज़ दिखाई देती है कि विंटर के आने के बाद बहुत सारे देशों में नए केसेस आए हैं और ये भी दिख रहा है कई कई जगह पे कि जो उनकी पीक है वो पुरानी पीक से कहीं ज़्यादा है डेथ्स कम हो रही हैं शायद क्योंकि हेल्थ सिस्टम अब समझ गया है लेकिन सेकेंड पीक्स आ रही हैं और लॉकडाउन भी हो रहे हैं कई देशों में जैसा कि आपको मालूम है तो हम इस सारे को नज़र में रखते हुए असावधान नहीं हो सकते और ज़्यादा तैयारी हर तरफ से तैयारी इसकी होनी चाहिए और उसको एक मेन मुद्दे पे हम आ रहे हैं कि बचाव कैसे करें और दूसरा एक और भी संदर्भ है कि ये त्योहारों का सीज़न है हर धर्म के त्यौहार इसमें आ रहे हैं हर प्रदेश के त्यौहार इन महीनों में आते हैं जब त्यौहार आते हैं हम इकट्ठे होते हैं हम एक दूसरे से मिलते हैं और यही बातें जो हम करते हैं ये वायरस को भी अच्छी लगती हैं जब हम इकट्ठे होते हैं तो वायरस एक से दूसरे दूसरे से चार चार से आठ और आठ से सोलह को जाता है या चौसठ पे जाता है तो वही जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं इस पीरियड में उसका फ़ायदा वायरस उठा के एक सिचुएशन पैदा ऐसी कर सकते हैं कि जिसमें कि इकट्ठ होने वाले जो इवेंट हैं हमारे वो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाए हमें ये तो अब ज्ञात है कि इन्फेक्शन जो है वो सिम्टम आने के दो तीन दिन पहले से ही फैलनी शुरू हो जाती है इसको पकड़ा नहीं जा सकता ये पक्की बात है अब हमें समझ आ रही है उस टाइम पे व्यक्ति में कोई खराबी भी नहीं होती कोई सिम्टम नहीं होता है कोई भी लक्षण नहीं होते तो इनोसेंस वाली फेज है उसका भी कसूर नहीं है लेकिन हम क्यों ऐसी सिचुएशंस पैदा करें जहाँ पे कि ऐसा व्यक्ति हो वहाँ पे जहाँ की और लोग हैं तो उनके ऊपर जाए तो ऐसी सिचुएशन पैदा करना जो है हमारे हित में नहीं है ऐसी सिचुएशन को पैदा हमने नहीं होने देना है और ये जिम्मेवारी अपने लिए अपने परिवार के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है देश के लिए भी है और इन दोनों को ही पर्टिकुलरली मुद्दे सामने रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के के आदेशों के मुताबिक उनकी गाइडेंस के मुताबिक एक जो जन आंदोलन की शुरुआत हुई है आठ अक्टूबर को उनका आज खरे साहब ने हमें डिटेल में समझाया उसके पीछे मैसेजेस हैं उनको हमें बताया कि तीन मैसेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं इस दौड़ इस इस बचाव के लिए और कैसे इसको प्रक्रिया से जुड़ के स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जुड़ के सरकारी तंत्र के साथ जुड़ के और जनता के जुड़ के साथ जुड़ के इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं लेकिन मैसेजेस बताए जा सकते हैं उनको विदित किया जा सकता है दिखाया जा सकता है लेकिन असली तो फर्क तब है कि जब ये बदलाव आएगा आदत का बदलाव बिहेवियर में चेंज आएगी अनुसरण उसके हिसाब से होगा और वो इक्वल नहीं मान सकते क्योंकि मास्क लगाने की बात है जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत दिनों पहले भी हमें सबको बताया था कि ये करना चाहिए लेकिन अगर हम इधर उधर नज़र देखें तो उस तरह का अनुसरण नहीं हो रहा अनुपालन नहीं हो रहा तो आज एक बिनती लेके हम सरकार की तरफ से शामिल हुए हैं आपके साथ मीडिया के द्वारा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबको ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि कोरोना के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है हमारी वो एक नए डायमेंशन में नई स्टेज पे आप पहुंच गई है आप देख रहे हैं कि सबके एफर्ट के साथ एक स्टेबलाइजेशन हुआ प्लेटू हो रहा है और हम चाहेंगे ये प्लेटू गिरता 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 ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द ये सबकी इच्छा है लेकिन जो आगे विंटर का मौसम है इकॉनमी खुल रही है और त्योहारों के मौसम की वजह से एक पॉसिबिलिटी है कि हम इकट्ठे होंगे वायरस और फैलेगा एक से दूसरे को उसको देखते हुए एक ज़रूरत बन गई है कि इन्हीं मैसेजेस को बहुत आगे तक लेके जाएं एक जन आंदोलन की तरह और अगर आप ये देखें कि इस तरह की जो कलेमिटी है इस तरह की जो मुसीबत है वो हमारी लाइफ टाइम में इसी बारी आई है तो इसलिए ये जन आंदोलन भी ऐसा होना चाहिए जो कि अनप्रेसिडेंटेड हो जिसका जोर गति तेज़ और पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा हो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ हो नब्बे करोड़ की बात कर रहे हैं कि पहुँचेंगे हम ये इंटेंशन है कोशिश है लेकिन नब्बे करोड़ लोगों तक पहुँच के और 140 करोड़ तक पहुंच के जो बदलाव होना चाहिए असली मुद्दा और असली जीत उसी में है क्योंकि वही हमें इस कोरोना की लड़ाई में इस स्टेज पे एक पूरे जोर से विजय की तरफ लेके जाएगा अब इसमें अगर हम थोड़ा सा साइंस पे हट के वापस आए तो क्या दिखाई देता है जैसे कि मैंने इसी मंच से कई बार कहा कि जो इस लड़ाई में सबसे अच्छी बात है कि हमारा बचाव ही हो जाए हमें कोरोना पकड़े ही नहीं जब पकड़ लेता है तो अस्पताल में जाना है टेस्ट करवाना पड़ता है जिस लोकेलिटी में हुआ हमें कंटेन करना पड़ता है मुसीबत सहनी पड़ती है फिर एक बड़ा फैसले लिए जाते हैं कि उसमें आप लॉकडाउन करिए ज़िंदगी रुक जाती है नुकसान होता है डेथ होती हैं तो अगर बचाव ही हमारी पहली स्ट्रैटेजी है तो हमारे पास सिर्फ दो रास्ते एक रास्ता है कि एक वैक्सीन होगा किसी ज़माने में किसी टाइम पे, किसी स्टेज पे, तो वैक्सीन लग जाएगा वायरस नहीं पकड़ेगा लेकिन जब तक नहीं है तो फिर एक ही रास्ता रह गया कि हम कोविड अप्रोप्रिएट आचरण को अपनाएं अपनाए और वो जीरो इन हो जाता है इन्हीं तीन चीज़ों के ऊपर और कोई रास्ता ही नहीं है बचाव का और बचेंगे टाइम निकल जाएगा ज़िंदगी बच जाएंगी और जो थोड़ा बहुत होगा उसको हम अच्छी तरह से संभाल सकते हैं जैसे कि हम सब ने देश ने करके दिखाया और फिर एक डायमेंशन आ जाएगी कि जब हमें इसकी वैक्सीन की उपलब्ध हो जाएगी और हमारी हम इसको विजय करके आगे बढ़ जाएंगे तो बचाव के बारे में जितना भी हम सपोर्ट कर सकें जितना भी कह सकें वही कम है बचना सबसे बड़ी बात है और अगर आप सोचें तो बचने के लिए जो तीन मैसेजेस हैं और तीन व्यवहार हैं तीन बिहेवियर्स हैं इसमें ऐसी कौन सी मुश्किल है कि जो हम नहीं अपना सकते पहला मैसेज है कि आप मास्क पहनिए सौ फ़ीसदी मास्क पहनिए हमेशा मास्क पहनिए मास्क मुझे बचाता है और मुझसे आपको बचाता है मास्क रोकता है ड्रॉपलेट्स को जो वायरस लेडन होकर दूसरे को ना जाए कहीं और से आ रही हैं उसको रोकता है लेकिन हमने मैसेज में ये भी कहा है कि सही से मास्क पहने बहुत ये भी देखा जाता है कि मास्क लगाया लेकिन वो फेस से उतरा हुआ है गले में लटक रहा है कहीं गिरा हुआ है मास्क को सही तरीके से लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि उसमें नाक कवर होना चाहिए मुंह कवर होना चाहिए और सटा हुआ होना चाहिए ताकि श्वास के रास्ते से ये वायरस ना तो कहीं बाहर जाए आपसे दूसरे को लगे और दूसरे से आपको लगे ये आपकी पर्सनल शील्ड है आपके लिए पर्सनल है बाकी चीज़ें औरों ने करनी है तब आप बचोगे लेकिन ये तो हम खुद कर सकते हैं अपने लिए समाज के लिए परिवार के लिए देश के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मास्क पहना हो सार्वजनिक जगह पे हैं तो मास्क तो बिल्कुल 100 परसेंट पहना हुआ होना चाहिए कोई डाउट ही नहीं है और इससे हम कोरोना की जो वृद्धि है उसको छत्तीस से पचास प्रतिशत ही रोक सकते हैं कम से कम बताइए और नो कॉस्ट है देखा जाए तो तो इसको प्लीज़ अपनाइए और मास्क को लगाने के बाद में फालतू में हाथ नहीं लगाने हैं और हाथ लग भी जाए तो फिर दूसरा मुद्दा आता है कि हमने अपने हैंड की हाइजीन रखनी है हाथ को साफ रखना है क्योंकि अगर ये ड्रॉपलेट वायरस क्लेडन हमारे हाथ पे आते हैं तो वो सफाई होती रहे बार बार हम ये करेंगे तो ये आगे भी नहीं जाएगा और अपने को भी नहीं लगेगा हमारे अंदर भी नहीं नहींगा ये दूसरा दूसरा बिहेवियर है दूसरा मुद्दा है दूसरा वैक्सीन है जो कि हम चाहते हैं कि सब लोग अपनाएं और तीसरा है कि दो गज़ की दूरी भी लगाए नहीं क्राउड करिए वायरस के लिए इतनी दूरी को पूरा करना आसान नहीं है पास में रहेंगे तो पास जाता है छींक से जाता है बोलने से जाता है ड्रॉपलेट से जाता है तो ये तीन मुद्दे जो हैं सही से मास्क पहने हाथ धोएं बार बार निभाएं दो गज़ की दूरी इनको ही अपनाने की आज बहुत हम बहुत बिनती से अपील करना चाहेंगे सबको और ये मानना है कि जब तक दवाई नहीं है तब तक इन चीज़ों की ढिलाई नहीं हो सकती और पर्टिकुलरली हम सब आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मीडिया इस बात को आगे बढ़ाए ये तो जो आपको दर्शाया गया है ये तो एफर्ट सरकार का है इसके ऊपर जन आंदोलन के रूप में जनता की भी भागीदारी अपने आप से होनी चाहिए क्या और कर सकते हैं हम इसको बढ़ाने के लिए अपनी लोकैलिटी में अपने समाज में अपने आसपास बहुत कुछ किया जा सकता है सरकार जो कर रही है तो शुरुआत कर रही है एक मैसेज अवेलेबल कर रही है क्लैरिटी दे रही है एक्सेस कर रही है कि ये मैसेज पहुँचे लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए और बिहेवियर में बदलाव करने के लिए जनता की तरफ से भी जन जन की तरफ से भी ये होना चाहिए और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में सोचा जाए कि गांव में मोहल्ले में अपार्टमेंट ब्लॉक में क्या हम कर सकते हैं ऑफिस में हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं आई होप कि आप सब ने प्लेज ली है इकट्ठे प्लेज लेना चाहिए इकट्ठे होना फिजिकली आजकल कर अवॉइड करके क्या हम रिमोट से प्लेज कर सकते हैं और मीडिया के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जैसे कि दूरदर्शन ने मास्क अप इंडिया का कैंपेन किया क्या प्लीज़ आप सब अपना अपना एक एक कैंपेन रन करेंगे या मास्क अप इंडिया में ही योगदान देंगे क्या हम इतनी विजिबिलिटी मास्क अप की करें और तीन मैसेज़ की करें कि हर जन को ये पता हो कि ये बिहेवियर करना और ऐसा होने से माहौल बदलेगा और मैं ये भी कहूँगा कि जो ऐसे नहीं पहनते जरा उनको हाथ जोड़ के टोकिए भी उनको कहिए कि क्यों नुकसान कर रहे हो अपना और दूसरों का और देश का शायद ये भी हमें एक दूसरे को परसुएड करना है घर के अंदर भी जब सब लोग बैठे हैं यंग लोग बुज़ुर्गों के लिए इन्फेक्शन लेके आते हैं यंग लोग अपने आप सफ़र कम करते हैं जैसे कि सर ने दिखाया आपको डेटा मोटेलिटी का यूथ के लिए प्लीज़ हाथ जोड़ के बिनती है आप ये मत सोचिए कि मोटेलिटी थोड़ी बहुत कम है बिलो अ सर्टन एज तो जिम्मेवारी ख़त्म हो गई वो तो सेल्फिश बात है यूथ में ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही है तो फैला भी ज़्यादा रहे ये आपकी जिम्मेवारी तो और भी ज़्यादा है कि आप इसको अपनाइए आप ही से लग रहा है ये और आपके पास तो मीन है सोशल मीडिया है आप मोबाइल हो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है तो युवा के लिए बहुत बहुत एक एम्फेसिस है अगर हम कहेंगे उनके लिए बुज़ुर्गों की मौत होती है बुजुर्ग इसमें कम कर जाते हैं उनकी उम्र का तकाजा है मोबिलिटीज़ का तकाज़ा है यूथ फॉर्चुनेटली बचा हुआ है और देश ने करके दिखाया कि मोटेलिटी रेट इतना लो है तो एक जिम्मेवारी बनती है कि आप इसको अपनाएं और श्योर करें और ख़ास फिक्र भी हमें लगता है कि यूथ हो रहा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है तो उस तरह से करें और मीडिया से एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है कि आप अपनी अपनी चैनल अपनी अपनी, अपनी जो सिस्टम है आपका चाहे आप वर्चुअल हो चाहे आप प्रिंट में हो एक ऐसी चीज़ चलाइए ऐसी जन आंदोलन में भागीदारी करिए ऐसा जन आंदोलन जैसा कि आज तक ऐसा ज़रूरी नहीं था इस तरह के मुसीबत के लिए और हम अनप्रेसिडेंटेड जो चुनौती है उसको अनप्रेसिडेंटेड जन आंदोलन के साथ उसका मुकाबला करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि ये हमारी सेकंड पीक नहीं आएगी और अगर ये हम बचाव की तरफ लगेंगे तो ये पक्की बात है कि सेकंड पीक नहीं आएगी और फिर अगले साल से जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि हम सबको उम्मीद है कि वैक्सीन भी